हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो ये प्लांट दिखा रहा हूँ वो करौंदा का है। इसको लगाए हुए हमें लगभग 2.5 साल हो गए हैं इस प्लांट को लगाए हुए, और अभी इसका फ्रूटिंग टाइम चल रहा था तो मैंने सोचा आपको क्यों ना दिखाया जाए इसमें फ्रूट का साइज़ वगैरह क्या बनता है और किस क्वांटिटी में लगता है इस पर फ्रूट। जो इसका फ्रूटिंग टाइम है ये जून जुलाई में इसमें कम्प्लीटली फ्रूटिंग रहती है। आप इस प्लांट को अपने खेत की बाउंड्री वगैरह पे लगा सकते हैं, ये बाउंड्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हीट वेव्स को अंदर आने से भी रोकता है और साथ साथ एक्स्ट्रा अर्निंग भी देता है ये आपको। आप इसमें फ्रूट का साइज़ भी देख सकते हैं जो कि एक परफेक्ट साइज़ बन चुका है इसमें, और कलरिंग भी बहुत अच्छी आ रखी है। आप करौंदा की क्वांटिटी देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं, और अभी कुछ में कलरिंग आनी बाकी है। जो आप ये ग्रीन कलर के देख रहे हैं इसमें कलरिंग अभी आएगी। इसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो अप्रैल से मई के बीच इसके फ्लावरिंग टाइम होता है, तो उस टाइम इसमें पानी आप कम दें, और जो खाद वगैरह आपको डालनी है वो 1 महीने पहले डालें फ्लावरिंग टाइम से। खाद में आप इसमें, अगर आपका 2-2.5 साल का प्लांट है तो इसमें आप 100 ग्राम DAP डाल सकते हैं, 100 ग्राम SSP और 25 ग्राम यूरिया डाल सकते हैं आप इसमें। 2.5 से 3 साल के प्लांट में आप ये सब डाल सकते हैं। और जब आप खाद दें तो 15 दिन पहले इसका पानी बंद कर दें, और फिर उसके बाद इसमें खाद डालें। ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत हो जाता है जब इसमें फ्रूटिंग होती है। करौंदे का आप अचार भी डाल सकते हैं, और इसकी मार्केट में भी डिमांड रहती है तो आप इसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अगर इस प्लांट की केयर की बात करूं मैं तो इसकी कोई ज़्यादा केयर आपको नहीं करनी पड़ती। आप इसको बस टाइम पर खाद दे दीजिए और पानी भी इसको ज़्यादा रिक्वायर नहीं होता। और अगर आप इसकी बागवानी करने की सोच रहे हैं तो मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप बागवानी करें। आप इसे बाउंड्री पर ज़रूर लगा सकते हैं। अगर आप 10-20 प्लांट एक साइड अपनी बाउंड्री पर लगा रहे हैं खेत की तो काफ़ी अच्छा है। इस प्लांट को आप शेप भी दे सकते हो। जब भी आप इसे बाउंड्री पर लगाएं तो जब ये प्लांट 1 से 1.5 साल का हो जाए तो आप इसकी कटिंग करके एक वॉल की शेप भी दे सकते हो इसे, तो ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा और आपके जंगली जानवरों से भी आपको खेत को प्रोटेक्ट करेगा। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो जाता है बड़ा होने के बाद। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।